हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ब्लॉग चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में दिखाने वाले हैं झारखंड में, जो कि रांची में बना हुआ है, बनारस के 80 घाट पे तर्ज पंडाल, और उसमें मूर्ति भी बनाया गया है, मोदी जी का भी बनाया गया है। तो सब कुछ दिखाने वाले हैं, वीडियो के आखिर तक बने रहे हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे ही हम लोग पंडाल के अंदर प्रवेश कर रहे हैं, तो प्रवेश करने के बाद में ये देखिए एक नज़ारा बना हुआ है। ये साधु संत बनाए गए हैं, और ये देखिए साधु संत ही बनाए गए हैं, और यहाँ पर मोदी जी का प्रतिमा भी बनाया गया है, गंगा जी हैं, और उसके सर पर शंकर भगवान भी हैं, और देवी देवता हैं, गणेश जी भी हैं। तो इस पंडाल में बहुत ही ज़बरदस्त तरीक़ा से मूर्ति को तैयार किया गया है, और इस पंडाल को तैयार किया गया है। ये पंडाल सुभाष चंद्र बोस दुर्गा पूजा समिति मेन रोड रांची में बनाया गया है, और ये मोदी जी को देखिए, मोदी जी जो 80 घाट पर आरती करते हैं, वहीं बनाया गया है। मणिकर्णिका घाट पर जो साधु संत तपस्या करते हैं, तो ये बनाया गया है एकदम हूबहू, लगता है कि एकदम आदमी खड़े हैं यहाँ पर। तो ये देखिए पंडाल के अंदर का दृश्य है, बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ का दृश्य देखकर। देखिए दोस्तों, ये साधु संत को बनाया गया है यहाँ पर, और पंडाल में लाइटें रंग बिरंग की लगी हुई है, बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्या ही बताऊँ। तो दोस्तों, मोदी जी को देख चुके हैं, गंगा जी को देख चुके हैं, शंकर जी उसके सिर पर हैं, जो कि गंगा जी निकल रही हैं, और पूरा ये 80 घाट के मणिकर्णिका घाट का ये पूरा इस पंडाल में सीन बनाया गया है। ये देख रहे हैं, लगता है कि जैसे आदमी का शरीर ही है, क्या डिजाइन की तैयार किया गया। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे वीडियो को नए होंगे तो मेरे वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।